बच्चों, बेटा आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पार्ट थ्री। अभी तक हमारा पार्ट टू कंप्लीट हुआ है, आज से हम पार्ट थ्री पढ़ रहे हैं। पार्ट थ्री है नादान दोस्त। तो देखिए कि ये कैसे किस तरह के दोस्त हैं, इसकी कहानी हम पढ़ेंगे। इसमें एक छोटी सी चिड़िया है जो कि चिड़ा और चिड़िया का एक जोड़ा है जो कि अंडे देती है, और उन अंडों को उसी घर में रहने वाले दो छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनको बहुत उत्सुकता है कि अंडे कैसे होंगे, चिड़िया के बच्चे उसमें से कैसे निकलेंगे, वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, उनकी सुरक्षा कैसे होगी आदि कई सारे प्रश्न उन बच्चों को परेशान कर रहे हैं। घर के सदस्यों को उनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बच्चे स्वयं सवाल करते हैं और स्वयं ही उसके उत्तर देते हैं। ये कहानी जो है नादान दोस्त, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो देखिए, केशव के घर कार्निस, कार्निस मीन्स होता है दीवार की कंगनी। ठीक है, इसमें कुछ शब्दार्थ भी है जो मैं आपको बताती जाऊंगी। कार्निस, इसमें पहले कार्निस मीन्स होता है, कार्निस मीन्स होती है दीवार की कंगनी, दीवार की कंगनी, ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षी आदि बैठ सकते हैं, रोशनदान जैसी जगह। अब देखिए, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते थे। उन्हें पता था कि चिड़िया ने उस जगह अंडे दिए। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते। चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा आता। मज़ा मीन्स होता है आनंद। क्या होता है? मज़ा मीन्स आनंद। उनको बहुत अच्छा लगता था चिड़ा और चिड़िया का वहाँ पर आकर के बैठना। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना जाने क्या आनंद मिलता। दूध जलेबी की सुध भी ना रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे। पर मीन्स होते हैं पंख। पर मीन्स पंख। उनके पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके घर में अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं मिलती थी, बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करते और आपस में ही क्या करते, दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। बच्चे आपस में, अब श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। ये सब विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। ये श्यामा का उत्तर होता कि चिड़िया बच्चों को क्या देगी खाने को। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता। पेचीदा माने कठिन या उलझने वाला सवाल हुआ करता था उसका। इस तरह तीन चार दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, अंडे को देखने के लिए वे अधीर उठते। अधीर मतलब उतावले। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया। उन्हें चिंता थी बच्चे खाएंगे क्या, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे।
उन्होंने फैसला किया कि कार्निस के ऊपर थोड़े से अनाज के दाने रख दिए जाएं ताकि उसको चिड़िया को कहीं जाना ना पड़े। केशव नहीं तब क्या, तब क्यों जाएगी श्यामा, क्यों भैया बच्चों को धूप ना लगती होगी, इनकी धूप के लिए हम क्या करें, इनके ऊपर छाया की व्यवस्था कर दें। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, तकलीफ मीन्स होती है परेशानी, मतलब परेशानी, तकलीफ मीन्स परेशानी। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, ऐसा श्यामा का प्रश्न था। आखिर यही फैसला हुआ, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। ठीक है दोनों ने सोचा, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ की आंखें बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, केसर ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिराया, उसे साफ करके उसमें पानी रख दिया ताकि चिड़िया दाना पानी खा सके। केसर बड़ी देर तक उधेड़बुन में रहा, आखिर उन्होंने यह मुश्किल ही हल कर दी। श्यामा बोली जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना, श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है, उससे तो डूब जाएगी, केसर ने झुंझला कर कहा। झुंझलाना, झुंझलाना मतलब होता है क्रोध होना या गुस्सा होना, झुंझलाकर मतलब होता है क्रोध होना या गुस्सा भी होना, आप देख सकते हैं क्रोध होना। ठीक, तू टोकरी लिया, मैं उसमें सुराख बंद करने की हिकमत निकालूंगा। सुराख मीन्स होता है छेद, छोटा सा छेद जो होता है उसको कहते हैं सुराख, सुराख मीन्स छेद। ठीक है, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई, केसर ने उसकी सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। भैया कितने चालाक है, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुश हो गई, लेकिन बच्चों को चिड़िया की चिंता थी इसलिए उनको नींद नहीं आ रही थी। अम्मा जी को बहाने के लिए दोनों दम रोके आँखें बंद किए थोड़ी देर तक लेटे रहे कि वो सो गए हैं, पर वो सोने का ढोंग कर रहे थे। दोनों चुपके से उठे, बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोली। अंडों की हिफाजत में सुरक्षा, क्या करना, हिफाजत, हिफाजत, हिफाजत में होती है सुरक्षा। ठीक है, वर्ड मीनिंग जब आप करेंगे तो आपको पाठ समझ में आएगा। केशव कमरे से स्टूल लाया, जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी, स्टूल पर चढ़ा, दोनों वहाँ तक पहुँच गए। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठाना पड़ी, दोनों हाथ से कार्निस पकड़ लेता, श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता अच्छी तरह से पकड़ कर रखो। कार्निस मीन्स ये जो रोशनदान दरवाजे के ऊपर बना दिया जाता है। बहुत मारूंगा मगर बेचारी श्यामा दिल से तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता, हाथ ढीला पड़ जाता, स्टूल हिल रहा था। केशव ने कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए उन पर तीन अंडे पड़े हुए देख लिए। जैसे घोंसला उसने पेड़ पर देखे वैसे कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा के बच्चे हैं भैया, के मीन्स कितने बच्चे हैं भैया। केशव तीन अंडे, अभी बच्चे नहीं निकले, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, चीथड़े मतलब होता है कपड़े के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको कहते हैं चीथड़े। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, छोटे छोटे घास के तिनकों पर उसने अंडे रखे हुए थे। श्यामा दौड़कर गई और वहाँ से क्या ले आई, तिनके ले आई। इतनी देर में जब केशव ने अंडों के ऊपर चीथड़े आदि बिछाने की व्यवस्था की,
केशव दिखा दूँ जरा, पहले टोकरी तो दे ऊपर छाया कर दूँ, नीचे थमा दी, अब प्याली ऊपर उतराऊँ। केशव प्याली चावल भी ले आई, हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी ना, गिरूँगी। अब अंडे बड़े आराम से हैं, अब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे दोनों। चिड़िया बार बार कान उस पर आती, बगैर बैठे उड़ जाती। केशव ने उल्टा हम लोगों के डर से ये ऐसा कर रही है। तो क्या किया उसने, श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूँगी। इतने में क्या हुआ कि धीरे से जो था उनके इसी कदर से बार बार चिड़ियाओं को परेशान करने से क्या हुआ कि श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भाई भैया? तो बार बार जब वो लोग देखने जाते थे तो चिड़िया दोनों भाग गई और उनके वहाँ जाने से दोनों अंडे फूट गए, उनसे पानी सा निकलने लगा। वहाँ कोई बच्चे वगैरह नहीं थे। यह देख कर के दोनों बच्चे बहुत दुखे हुए। बाद में जब अम्मा को उनकी इस हरकत के विषय में पता चला तो अम्मा जी ने उनकी बहुत अधिक डांट लगाई। तो दोनों बच्चे रोनी सूरत बनाए हुए थे। सबसे ज़्यादा कसूरवार केशव अपने को मानता था। माँ को हंसी आ गई बाद में, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस रहा। अंडे की हिफाजत करने के जोग में उसने क्या किया, उनका सत्यानाश कर डाला। सारे अंडों को उसने तोड़ दिया। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। तो बच्चों, इस पाठ के आप लोग वर्डिंग करेंगे और लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे। कल हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।